जय श्री राम। जब भी हम किसी ऐसे ग्रह के बारे में बात करते हैं जो कि एनर्जी देने वाला होता है, तुरंत एक्शन लेने वाला, आक्रामक रवैये को इस्तेमाल करने वाला, या व्यक्ति के ऊपर क्रोध या जल्दबाजी देने के कारण नुकसान होने वाला हो, तो हम कहीं ना कहीं मंगल ग्रह को जरूर याद करते हैं। मंगल ग्रह कुंडली के अंदर सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। जिनके ऊपर एनर्जी का भंडार है, वह कुंडली के अंदर जहाँ जिस भाव में जाकर बैठते हैं वहाँ पर एनर्जी दे देते हैं, यानी उस भाव से संबंधित स्थितियाँ व्यक्ति की तीव्र हो जाती हैं। वहीं उनकी दृष्टियों का प्रभाव भी इसी प्रकार से कुंडली के अंदर देखा जाता है। जब जब मंगल का राशि परिवर्तन ब्रह्मांड में होता है तो वह अन्य ग्रहों के साथ प्रभावित होकर, क्योंकि मंगल तो हर वर्ष उन्हीं राशियों में वापस लौट कर आता है, लेकिन अन्य ग्रहों के ट्रांजिट के कारण प्रभावित होकर मंगल के फलों में हर बार परिवर्तन देखने को मिलता है। अब मंगल ग्रह इस बार कन्या राशि में विचरण करते हुए पहुंच जाएंगे तुला राशि के अंदर। 21 अक्टूबर 2021 को मंगल ग्रह लगभग 45 से 50 दिन के लिए तुला राशि में विचरण करेंगे, जो कि शुक्र की राशि है। मंगल शुक्र को अपना मित्र नहीं मानते हैं। अब एक ऐसा ग्रह है जो अभी शत्रु राशि में चल रहा था, उसके बाद ये ग्रह फिर से बुध की राशि से निकलकर शुक्र की राशि के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब ये 45 से 50 दिन आपकी राशि के लिए कैसे होने वाले हैं, क्योंकि उस दौरान उस ग्रह के साथ बुध और सूर्य ग्रह भी तुला राशि में ही गोचर करते दिखाई देंगे। तो यह युति, यह स्थिति मंगल के राशि परिवर्तन की 12 राशियों के लिए कैसी रहने वाली है, उसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मंगल प्रधान राशि यानी मेष राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि जो कि एक अग्नि तत्व लिए हुए है, चर राशि है, चलायमान, चंचलता, एनर्जी, क्रोध, छटपटाहट, नुकसान। नुकसान किस कारण? अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी ही जल्दबाजी के कारण नुकसान दे देते हैं ऐसे लोग अपने आप को, अपने लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। ऐसा मंगल जिनकी राशि मेष है उसका स्वामी कहलाता है। आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल होंगे, यानी कहीं ना कहीं वो आपकी राशि को वापस दृष्टि देंगे, यानी कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बना रहेगा, बॉडी के अंदर साहस बना रहेगा, एनर्जी की कमी नहीं रहेगी, काम के अंदर बहुत उत्साह से आप कार्य करते रहेंगे। लेकिन राशि का स्वामी राशि को दृष्टि भी देता होगा, यानी आपको अपनी एनर्जी को संभाल कर रखना है। कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितनी बातें करनी है, कहाँ किस प्रकार से आपको अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ समय के लिए नीच का सूर्य भी तुला राशि में ही मंगल के साथ रहेगा, जो ये दोनों ग्रह राशि से सप्तम में होंगे। राशि से सप्तम भाव में मंगल और सूर्य अंगारक युति बनाते हुए चलेंगे, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देंगे, मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके क्रोध, आपके अहंकार, आपकी जिद, आपकी जल्दबाजी के कारण आप अपने वैवाहिक जीवन के ऊपर प्रभाव डाल लेंगे। थोड़ा ध्यान करके चलिएगा। जब मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि से दशम पे होगी और सूर्य उसके साथ होंगे, तो आप योजना बनाकर जो भी कार्य करेंगे वो फायदामंद तो रहेगा, आपकी बुद्धि ठीक प्रकार से काम तो करेगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में ठीक भी रहेंगे। लेकिन जब मंगल की आठवीं दृष्टि वाणी स्थान पर आएगी, साथ में नीच के सूर्य भी होंगे, तो अपने वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखें, जल्दबाजी से आप बचें। जो भी बात बोलनी है बहुत सोच समझकर बोलें, तभी आप अपने जीवन में इस मंगल के गोचर का फायदा ले पाएंगे। पहली बात तो राशि से सप्तम में पड़ रहा ग्रह कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस अवश्य देगा। इस डिस्टर्बेंस को, इस एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि जब दो अलगाववादी ग्रह, दो अशुभ ग्रह दोनों मिलकर अंगारक योग बनाए राशि से सप्तम में हो, तो अवश्य ही ये बाकी सब चीजों के लिए ठीक है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता।
पब्लिक इमेज के लिए अच्छा नहीं होता, साझेदार के लिए अच्छा नहीं होता, ध्यान रख के चलना है। मंगल आपकी राशि के मालिक हैं, हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि के लिए ये गोचर कैसा है। शुक्र की राशि है वृषभ राशि, लेकिन स्थिर राशि है, स्वभाव के अंदर स्थिरता है, सौम्यता है, राशि के स्वामी बैल हैं और बैल के समान इनका व्यवहार यानी स्थिर रहते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, व्यापार करने की अच्छी समझ होती है, फाइनेंस से संबंधित कार्यों में भी अच्छे होते हैं। अब आपकी राशि के लिए ये जो मंगल है राशि से छठे में आया, राशि से छठे में आया हुआ मैलेफिक्स प्लैनेट्स खास तौर पे मंगल शत्रुहंता योग बनाता है, कंपटीशन में विजय दिलाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विजय दिलाएगा, शत्रुओं को हराने वाला होगा। आप अपने स्वयं के बल पर अपने भाग्य की उन्नति करेंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। ऐसा व्यक्ति मेहनत करके अपने भाग्य को स्वयं उजागर करने में सक्षम है। जब इस मंगल की दृष्टि आपकी राशि लगन के ऊपर आ रही होती है तो एनर्जी को बढ़ावा देती है, लेकिन ऐसा मंगल अचानक से हेल्थ इश्यूज, कोई चोट आदि या यात्रा के दौरान कोई एक्सीडेंट कराने में भी सक्षम होता है। जब मंगल राशि से छठे में हो और वहां नीच का सूर्य भी हो जो कि आपकी राशि से चतुर्देश है, तो आपकी जल्दबाजी, आपकी गलतफहमियां या आपके क्रोध छटपटाहट की वजह से आपके परिवार का माहौल खराब ना हो जाए, आपके परिवार के अंदर कलह उत्पन्न ना हो जाए, उसका भी आपको विशेष तौर पर यहां ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए मंगल और सूर्य की युति राशि से छठे घर में बनेगी। ये दोनों ही अंगारक ग्रह होंगे जो कि राशि से चतुर्देश और सप्तमेश होंगे, यानी अपने परिवार के वातावरण को ठीक रखना है, अपने क्रोध और अपनी जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी है, सामाजिक शत्रु नहीं क्रिएट करने। मंगल जब द्वादशेश होके द्वादश को देखे और चतुर्देश उसके साथ हो तो कुछ समय के लिए परिवार को भी छोड़ना पड़ जाता है, काम के सिलसिले में घर से दूर जाना, दूर रहना, हवाई यात्रा करना या विदेश में जाके 10-15-20 दिन रहकर अपने काम से और वापस आना भी इन्हीं योग के कारण संभव है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि बुध ग्रह की वायु तत्व राशि है, ऐसे लोग स्वभाव के अंदर दार्शनिक, बहुत दूर की योजनाएं बनाने वाले हैं, मन में कुछ ना कुछ विचार ऐसे लोगों के चलता रहता है, बुद्धिजीवी बुद्धिमानी लोग होते हैं। आपकी राशि से पंचम में एक मैलेफिक प्लैनेट्स मंगल आ रहा है। जब जब राशि से पंचम में कोई भी अशुभ ग्रह आता है तो ये बुद्धि को भ्रमित करता है, बुद्धि को क्रोधित करता है, आक्रोशित करता है, बार बार मन के अंदर उमंगें आती हैं कुछ कर दूं या कुछ कर लूं, लेकिन वह डिसीजंस आपके लिए नुकसानदायी होंगे। राशि से पंचम में मंगल शत्रु ग्रह, आपकी राशि से के लिए तो यह ग्रह शत्रु है, शत्रु जब आपकी बुद्धि के ऊपर हावी हो जाए तो आप कहेंगे कि मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने क्रोध, जल्दबाजी और छटपटाहट में आकर गलत निर्णय ले लिए, इस मंगल से आपको बचना है। साथ में इसके नीच के सूर्य हैं, राशि से पंचम में सूर्य मंगल का योग बनेगा, ये राशि से पंचम बुद्धि स्थान तो है ही, ये संतान के साथ मतभेद कराने का स्थान भी है, यह संतान के अंदर परेशानी, सिजेरियन डिलीवरी या कह सकते हैं मिस कैरेज कराने में भी ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। जब ये दशम से अष्टम भाव के अंदर बन रहा हो तो उस दौरान व्यापारिक सोच ठहराव वाली रखनी होगी, काम के लिए जल्दबाजी ना करें, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपनी सोच को बदलें, धैर्य के साथ सोचें, जल्दबाजी के साथ ना सोचें, छोटे समय के लाभ के लिए अपना नुकसान ना करें, नहीं तो आपको ये प्लैनेट्स अच्छा खासा नुकसान देकर जाने में सक्षम है, क्योंकि ये आपकी राशि से का शत्रु कहलाता है और एनर्जी से भरपूर है, और बुध ग्रह भी राजकुमार हैं, वो भी एक एनर्जी रखने वाले ग्रह हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो आप भी जोशीले, मंगल भी जोशीला और जोश में काम गलत हो गया। आइए बात करते हैं कर्क राशि के लिए यह स्थिति कैसी रहेगी। चंचलता और भावुकता से भरी, गहराइयों से भरी जल तत्व राशि चंद्रमा की राशि, आपकी राशि से मंगल
मित्र भी होते हैं, मंगल योग कारक भी होते हैं। यानी मंगल आपकी राशि से पंचम और दशम दोनों का स्वामित्व रखने वाला ग्रह, यानी एक अकेला ग्रह आपके जीवन में बेहतरी करने में सक्षम है। ये मंगल आपकी राशि से चौथे पर आया। राशि से चौथे में आना हुआ कोई भी अशुभ ग्रह, खास तौर पे मंगल जैसा, जो चौथे घर को भी प्रभावित करेगा, तो अपने से चौथी दृष्टि से चौथे से चौथा यानी सप्तम को भी प्रभावित करेगा। चंचलता और क्रोध दोनों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल कार्य क्षेत्र में तो तरक्की देंगे, नौकरी हो चाहे व्यापार हो। धन आगमन की बात करें, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने की बात करें, पद प्राप्ति प्रमोशन तरक्की की बात करें, तो उस लिहाज से मंगल बहुत बेहतर है। लेकिन जब राशि से चौथे और चौथे से चौथे पर दृष्टि यानी सप्तम पर मंगल की दृष्टि हो, तो यह कॉम्बिनेशंस बेवजह पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ भी करा देता है, तनाव भी दे देता है, दोनों के बीच में टेंशन भी क्रिएट कर देता है। इसका थोड़ा विशेष ध्यान देकर आपको चलना होगा। मंगल पंचमेश और दशम है, आपके द्वारा बनाई गई योजना, आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपकी प्रोफेशनल लाइन में काम आने वाली है। सूर्य भले ही नीच के होंगे, लेकिन सूर्य भी धनेश हैं आपकी राशि से। जब धनेश चौथे घर में नीच हो, वे ऑफ टॉकिंग को सुधारें, सौम्यता रखें, जल्दबाजी ना करें, किसी से भी गलत व्यवहार या गलत बोलचाल नहीं रखनी है। यह सूर्य मंगल का धन योग राशि से चौथे में बनता है। अगर शास्त्र की माने राशि से चौथे घर में आया हुआ अशुभ ग्रह आपके घर परिवार के अंदर कलह दे सकता है, मानसिक चिंताओं को बढ़ा सकता है, आप परिवार के लिए या घर परिवार के लिए सोचेंगे, उसके कारण आपकी चिंता बढ़ सकती है। लेकिन मंगल एक एनर्जी देने वाले ग्रह हैं, मंगल व्यक्ति को हिम्मत और साहस देते हैं, इसलिए यह ग्रह आपको आपकी योजनाओं में सफलता अवश्य देगा। लेकिन ध्यान रखना होगा अपनी जल्दबाजी, अपने क्रोध और अपने निर्णयों पर। आइए रॉयल साइन सिंह राशि, सूर्य की राशि, सूर्य राजा हैं, मंगल उनके लिए सेनापति हैं और उनके परम मित्र भी हैं, यानी मंगल सदैव सूर्य के हित में है। अब राजा जो आदेश करेगा वही सेनापति को मानना भी पड़ेगा। ऐसे समय में जब आपकी राशि यानी सूर्य से राशि से तीसरे घर में मंगल आ रहे हैं, तो राशि से तीसरे में आया हुआ मैलेफिक्स प्लैनेट्स साहस में वृद्धि करता है, सहजता देता है, व्यक्ति के साहस को डगमगाने नहीं देता, व्यक्ति के धैर्य को डगमगाने नहीं देता, किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को मेहनत में लगाए रखता है और फायदा देता है। जब हम मंगल की बात करते हैं तो एकमात्र मंगल ऐसा ग्रह है जिसको चौथी और आठवीं स्पेशल एस्पेक्ट यानी विशेष दृष्टि प्राप्त है। जब मंगल राशि से तीसरे में होते हैं और राशि के मालिक सूर्य जी के साथ होते हैं, तो मंगल सूर्य अगर तीसरे भाव में हो, शूरवीरता का योग है, व्यक्ति घबराता नहीं है, व्यक्ति डरता नहीं है, व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता है और उसमें जीत दर्ज करता है। ऐसा मंगल जब आपकी राशि के मालिक सूर्य से मिलन कर रहा हो, तो अवश्य ही कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है, व्यक्ति सिर्फ अपने बल पर बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतने में सक्षम है। जब मंगल तीसरे घर में हो, तो उनकी चौथी दृष्टि सिक्स्थ हाउस, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, जो लोग आपका बुरा करना चाहेंगे, जो आपके काम में अवरोध डालना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि इनका काम रुक जाए, इनको ये काम ना मिले, वो सब परास्त होंगे और आपका ग्रह आपको बाहर निकाल कर लाएगा। जब मंगल की सप्तम और अष्टम दृष्टि सूर्य के साथ युति बनाकर दृष्टि होगी नवम और दशम भाव पे, तो आपकी मेहनत आपका भाग्य जागृत करेगी, आपकी मेहनत आपको कर्म दिलाएगी, आपकी मेहनत आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएगी। ये मंगल पूरी तरीके से आपके फेवर में है, घबराइए नहीं, पूरे जोश से लगे रहिएगा, सफलता आपके लिए आने वाले समय में बेहतर स्थिति को तैयार करती दिखाई दे रही है। आइए कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि बुध देव की राशि है, यह पृथ्वी तत्व राशि है, मेहनती लोग होते हैं, ऐसे मिथुन राशि से ज्यादा मेहनती देखे जाते हैं कन्या राशि वाले। उसमें उस दौरान
राशि के जो लॉर्ड है बुध अपनी उच्चस्थ अवस्था में भद्र योग के साथ चल रहे होंगे। यानी जब राशि का लॉर्ड मजबूत हो, लगन का लॉर्ड मजबूत हो, तो घबराने की जरूरत नहीं, फिर तो कुछ ना कुछ अपने बल पर अच्छा होगा ही होगा। अच्छा समय आप अपना खुद तैयार करेंगे। अब आपकी राशि से दूसरे घर में चिंता का विषय जुड़ा, वो चिंता दी सबसे पहले मंगल ने, क्योंकि वह आपकी राशि से अष्टम और तृतीय का मालिक। अष्टम तृतीय का मालिक धन भाव में धन को खर्च करा सकता है, धन का नाश कर सकता है। आपके धन के ऊपर लोगों की नजर है, आपके धन के ऊपर लोग अपना ध्यान रखते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से आपसे धन ऐंठने या आपके धन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नीच का सूर्य भी उसी के साथ है जो राशि से द्वादशेष है। इसका मतलब फिर से एक और कॉम्बिनेशन कि राशि से दूसरे स्थान पे तृतीयेश, अष्टमेश और द्वादशेश सूर्य मंगल का योग। अपने चेहरे का ध्यान रखें, दांतों से संबंधित, मुख से संबंधित कोई बीमारियां हो सकती हैं, धन स्थितियां समस्या में आ सकती है। आपकी बोलचाल के कारण किसी का दिल दुख सकता है, आपकी बोलचाल के कारण परिवार में कलह होने की संभावना है, आपके बोलचाल के कारण संबंधियों के साथ आपके रिश्ते खटास में पड़ते नजर आएंगे, ऐसा भी इस कॉम्बिनेशन से दिखता है। दूसरा घर वाणी है, दूसरा घर कुटुंब है, तो दूसरा घर पैसा भी है, और पैसा आज के समय में एक बहुत जरूरी चीज हो चुका है। जब आपके पास धन है तो आपको चिंता होती है मेरा कोई धन ना ले ले, आपके पास धन नहीं है, चिंता होती है कि मेरे पास धन आना चाहिए। अब उसी प्रकार से धन भाव पर जब अशुभ ग्रह आ गए हों, धन भाव पर जब खराब ग्रहों का ट्रांजिट होना शुरू हो गया हो, तो क्या होगा, पैसा आना एक अलग बात है लेकिन पैसा जुड़ नहीं पाता। अकस्मात किसी कारण से खर्च हो जाना या लॉस हो जाता है, कोई नुकसान हो गया, कोई चीज खो गई, कोई चोरी हो गई, क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। जब अग्नि कारक ग्रह मंगल सूर्य राशि से दूसरे में पहुंचे तो अपने फेस का ध्यान रखें। ये अग्नि तत्व हैं, करंट से, बिजली से, गर्म चीजों से बचे, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपकी राशि के लॉर्ड बुध देव तो आपको बचाएंगे लेकिन मंगल सूर्य समस्या देने में सक्षम है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिति कैसी। गंभीरता और स्थिरता से भरी लेकिन छुपावट और गहराई भी इन लोगों के बीच देखी जाती है। अब वृश्चिक राशि, राशि से द्वादश में मंगल का ट्रांजिट। कौन है मंगल? आपकी राशि का मालिक, यानी यह हो रहा है गुणों का अतिव्यय कि मैं अपनी राशि से वह स्थान में ट्रांजिट कर रहा हूं, मैं बिना वजह अपनी एनर्जी को खर्च करूंगा, क्योंकि राशि से द्वादश का मंगल व्यक्ति की एनर्जी को बेवजह खर्च कराता है। बिना वजह का वर्कआउट करना, बिना वजह के कार्यों में जाना, अपने एनर्जी को वेस्ट करना, औरों के लिए दूर दूर तक जा रहे हैं, औरों के लिए पूरा दिन बर्बाद कर दिया, वैसा ही संयोग इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। राशि से द्वादश में मंगल का जाना, आप अपने आप को खर्च कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हो, आप अपने पैसे को खर्च कर रहे हो, या कह सकते हैं उस दौरान आपके ऊपर खर्च का बर्डन बढ़ रहा है, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट को रोकना चाह रहे हैं लेकिन ना चाहते हुए भी आपका पैसा लगातार किसी न किसी कारण से खर्च होता चला जा रहा है। राशि से दशमस्थ सूर्य भी वहां है। अब ये एक अच्छा योग है कि मंगल और सूर्य राशि से द्वादश में बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं काम के लिए बाहर से जुड़ना पड़ेगा, काम के लिए टूर ट्रेवलिंग संभव है, काम के लिए विदेशों से जुड़ना या बाहर के लोग आपसे किसी न किसी प्रकार से संपर्क साधें, वह भी इसी कॉम्बिनेशन से सक्षम है। जब मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर आती है और छठे भाव पर उसकी सप्तम दृष्टि आ रही है, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ उस दौरान शरीर के लिए भी सजग हो जाता है। वह चाहता है कि मैं अपने शरीर पर ध्यान दूं, वह चाहता है कि मैं कुछ योगा सीख लूं, कुछ प्राणायाम कर लूं या अपने लिए कुछ सीख लूं, क्योंकि तीसरा घर योगा, कला, आसन, इनके लिए जाना जाता है। और मंगल वहां दृष्टि देते हैं तो यह स्थिति ठीक है, क्योंकि वह आपकी राशि के मालिक हैं। छठे घर को वापस देखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता है, आप अपने जीवन की परिस्थितियों से लड़कर जीतने में सक्षम रहेंगे ही रहेंगे। राशि से द्वादश में जब दो मैलेफिक्स प्लेनेट मंगल और सूर्य हों, तो
तो वही वह सप्तम भाव से छठा भी कहलाता है। बिना वजह हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट्स होना भी या पत्नी का स्वास्थ्य खराब होना भी ऐसे समय में देखा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि बृहस्पति प्रधान राशि अग्नि तत्व लिए हुए होती है, इसमें और मीन राशि में काफी अंतर देखा जाता है क्योंकि ये अग्नि तत्व लिए हैं। ये वो आचार्य हैं जो दंडात्मक प्रवृत्ति से भी सिखाते हैं। आपकी राशि से एकादश में मंगल, राशि से एकादश में गया हुआ कोई विग्रह लाभ ही देता है। खास तौर पर महर्षि पराशर जी कहते हैं अगर वो प्लेनेट मैलेफिक हो तो यह और ज्यादा धनदायक साबित होता है। अब राशि से एकादश में मंगल का जाना फायदेमंद है, किसी न किसी प्रकार से आय के साधन जोड़ेगा। मंगल राशि से पंचम का मालिक होके एकादश में बैठा, शिक्षा से प्राप्ति, बुद्धि से प्राप्ति, योजनाओं से प्राप्ति। आपने शेयर में पैसा लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, आपने म्यूचुअल फंड लिए, उनके दाम बढ़ गए, अचानक से आपको बड़ा झटके से पैसा मिल गया, वो सब इसी योग के कारण संभव है। मंगल आपकी राशि से एकादश में सूर्य के साथ है, भले ही सूर्य वहां नीचस्थ है लेकिन सूर्य राशि से भाग्येश भी है, इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य मंगल का बढ़ावा दे रहा है। किस क्षेत्र में? धन के क्षेत्र में। अब ये सूर्य मंगल शुक्र की राशि में है और उस दौरान शुक्र मंगल स्थान राशि परिवर्तन योग में भी कुछ समय के लिए चलते दिखाई देंगे, इसलिए पैसा आएगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा लेकिन खर्च की स्थिति भी बनेगी। अपने पैसे को संभाल के रखें, अपने वे ऑफ टॉकिंग पर ध्यान दें, जल्दबाजी से आपको बचना होगा क्योंकि मंगल पंचमेश होकर पंचम को देखेगा तो छठे को भी देखेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं दीजिए, सफलता दिलाएगा आपको आपका मंगल। बात करते हैं मकर राशि के लिए स्थिति कैसी। मकर राशि साढ़े साथी के दूसरे फेज को लंबे समय से पीड़ित होती दिखाई दे रही है, ऐसा बहुत सारे लोगों की हॉरोस्कोप्स में भी देखा गया। अब शनि वक्री से मार्गी, बृहस्पति वक्री से मार्गी हो चुके होंगे, मंगल राशि से दशम में, राशि से कर्म स्थान में एनर्जी के कारक मंगल पहुंच गए। दशम भाव कर्म स्थान, जो कर्म आप रोज कर रहे हैं आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर एनर्जी दिखाई देगी। राशि से दशम मंगल प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी जाना जाता है, इसका मतलब है आप अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र के लिए पहले के मुकाबले अब ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई देंगे। आपका मंगल कर्म स्थान में है तो एनर्जी देगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर ही पड़ेगी जहां शनि स्वयं विराजमान है, व्यक्ति अपने ही बल पर आगे बढ़ेगा। अब उसके भीतर कुछ अलग सी एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। अब वो सोचेगा कि भाई अब तो काम करना पड़ेगा, अब तो अपने बल पर ही कुछ करना है, किसी से सहायता लेनी ही नहीं है। और जब उसके मन में यह विचार आ गया तो समझ लीजिए लाभ मिलेगा। साथ में सूर्य कुछ गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि वह राशि से अष्टमस्थ हैं। राशि से अष्टम का मालिक जब कर्म स्थान में आए तो क्या होगा? प्रोफेशनल लाइफ में क्राइसिस देगा, अप्स एंड डाउन दे सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके भीतर रुकावट देने का यह योग होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपके मन में विचार भी आ सकता है क्यों ना मैं काम बदल लूं, कार्य परिवर्तन कर लूं, नौकरी बदल लूं या ऐसा कुछ, लेकिन ठहरिएगा, इस प्रकार की कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। मंगल लाभेश भी है, मंगल चतुर्थेश भी है, इसलिए फायदा देना, कर्म कराना, सोर्स ऑफ इनकम दिलाना भी मंगल के हाथों में है। चतुर्थेश का चौथे घर को देखना, लगन में शनि बृहस्पति का योग राशि के ऊपर बन रहा है, इसका क्या मतलब है? हो सकता है आप किसी ना किसी प्रॉपर्टी से फायदा ले लें या कोई प्रॉपर्टी या वाहन परचेस कर लें। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के लिए स्थिति कैसी। वायु तत्व राशि, वायु प्रधान राशि है कुंभ, राशि से एकादश में मंगल का ट्रांजिट यानी भाग्य स्थान में एनर्जी आ रही है, व्यक्ति उत्सुक है अपने बल पर अपने भाग्य को बनाने के लिए। जब मंगल नाइन्थ हाउस में बैठे और तीसरे घर अपनी ही राशि अपने कारक घर को दृष्टि दे, ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है। ऐसा व्यक्ति उस दौरान पूरे जोश होश से लगा हुआ होता है कि मुझे
अब अपने कार्य में सफलता लेनी है। मंगल का संबंध तीसरे और द्वादश भाव से दृष्टिगत भी आता है, साथ में सप्तमें सूर्य भी है। इस दौरान कोई बड़ी यात्रा देखने के लिए मिल सकती है। इस दौरान कोई धार्मिक यात्रा होने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि द्वादशेश होकर द्वादश भाव में मंगल को दृष्टि दे रहे हैं। दसवीं, वह यात्रा धार्मिक क्षेत्र से भी संबंधित दिखाई देती है, वह यात्रा कार्य क्षेत्र के लिए भी दिखती है, कभी कभी विदेश जाकर आना भी इस कार्यकाल में देखा जाता है, क्योंकि सात में सूर्य है, सप्त में किसी प्रकार के सरकारी कार्यकाल से संबंधित भी आपको यह स्थिति फायदेमंद होती दिखाई देगी। तो यह स्थितियां अपने आप में बेहतर हैं, क्योंकि राशि से दशम के मालिक है मंगल। दशम भाव कर्म स्थान, वह कर्म का मालिक कहां पहुंचा है? नवम भाव में। व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए कर्म करता रहेगा और फायदा लेता रहेगा। मीन राशि के बारे में कैसा रहने वाला है यह फल, पहली चिंता शुरू होती है राशि से अष्टम में सूर्य मंगल का योग। सूर्य राशि से छठे के मालिक नीच के होके बैठे हैं अष्टम में, साथ में मंगल है। क्या हो सकता है? अचानक से शरीर के अंदर से कुछ ऐसी बीमारी निकल के आ सकती है जिसका इमीडिएट ऑपरेशन कराना पड़ जाए। कभी कभी क्या हुआ, पेट खराब चल रहा था बहुत समय से, गुलम पीड़ा थी, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, उसने समस्या को बढ़ा दिया, अपेंडिक्स का दर्द हो गया या ऐसा कुछ भी, और आपको कोई इमीडिएट ऑपरेशन, कोई चीरा, कोई टांका, कोई परेशानी का सामना करना पड़ गया, तो वो कॉम्बिनेशंस इसी के कारण बनता है। सिर में दर्द होना, ज्वर आना, बुखार तेज हो जाना, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी इसी कॉम्बिनेशन से संभव दिखाई देती है। राशि से अष्टम में मैलेफिक्स प्लेनेट का जाना अड़चनों को जन्म देता है, क्योंकि आपके भाग्य और धन का मालिक मंगल अष्टम में नीच के षष्ठे सूर्य के साथ उस दौरान होगा, और उसके ऊपर एक शनि की दृष्टि भी होगी जो कि 11th और 12th लॉर्ड भी हैं। इसका मतलब है आपको ये कॉम्बिनेशंस कहीं अटका सकता है, कहीं फंसा सकता है। आप इस दौरान कभी कभी कहते हैं व्यक्ति के, यार मैंने पैसा तो खर्च कर दिया, मैंने पैसा तो लगा दिया, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पैसा गलत लगा दिया, मुझे अब इस व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहिए, या कैसे ही करके ये पैसा निकल जाए। मंगल निकल जाएंगे यहां से तो पैसा भी निकल जाएगा, अड़चने भी दूर हो जाएंगी, परेशानी भी आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि वह नीच के सूर्य का साथ भी छोड़ेंगे, साथ ही साथ अष्टम भाव को भी फ्री करेंगे, क्योंकि अष्टम में बैठ रहे हैं मंगल और सूर्य, वो सेकंड हाउस को दृष्टि देते हैं। धन का मालिक धन भाव को देख रहा है, रोजी रोटी में कोई कमी नहीं, लोकल काम, नॉर्मल काम, औसत लाइफ चलती रहेगी, मेहनत आप करते रहेंगे, लेकिन सूर्य नीच के हैं, षष्ठेश भी हैं, तो किसी न किसी कारण से धन की समस्याएं, तंगी मिलती रहेगी। तो इस दौरान पैसे का भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, कुटुंब यानी सेकंड हाउस परिवार का भी ध्यान रखना है, और वे ऑफ टॉकिंग को भी खराब नहीं करना। तो ये था मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, मंगल ग्रह अन्य ग्रहों से प्रभावित होकर गोचर में किस प्रकार का फल आपको देंगे, उसके बारे में मैंने आपको यहां विस्तार से बताने का प्रयास किया। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।